गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, माई सेल्फ शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। बच्चों, हमने ये 16 चैप्टर रीड किया था। चैप्टर का नाम था मोम का से। आज बच्चे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बच्चे पेज नंबर 110 निकालो। क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न। अकबर के दरबार में किस प्रदेश के राजा का दूत पहुंचा था? सिंध, फारस या कंधार? तो बच्चे इसका राइट आंसर है फारस। नेक्स्ट है, फारस के राजा ने शेर का पुतला किसके लिए भेजा था? बीरबल के लिए, अकबर के लिए, सेवक के लिए? तो राइट आंसर है अकबर के लिए। नेक्स्ट है, शेर का पुतला किसका बना हुआ था? मोम का, रुई का, कपड़े का? तो बच्चे राइट आंसर है मोम का। मोम का था बच्चे, तभी तो वो सलाखों से पिघलाकर बाहर निकाला गया था और पिंजरा खाली कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सबसे रिक्त स्थान भरो। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पिघल और दो काम पहली। सेवक पिंजरे का द्वार खोलो, डैश शेर की मूर्ति को बाहर निकाल दो। इसमें आएगा बच्चे और। सेवक पिंजरे का द्वार खोलो और शेर की मूर्ति को बाहर निकाल दो। नेक्स्ट है, हो ना हो फारस के राजा ने हमें चिढ़ाने के लिए कोई नई डैश सोची है पहली। महाराज आपका डैश हो जाएगा काम, आपका काम हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है बच्चे आपको। इसके लिए मुझे डैश दिन का समय दीजिए। दो, इसके लिए मुझे दो दिन का समय दीजिए, यहाँ पर आएगा। छड़ों की गर्मी पाकर, बच्चे लोहे की छड़े थी और बहुत ज़्यादा गर्म थी, गर्मी पाकर जो मोम का शेर बना हुआ था वो पूरा क्या हो गया था? पिघल गया था, पिघल गया। आगे है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। शेर पर मोम की परत चढ़ाई गई थी, तो बच्चे आंसर है रोंग। बच्चे शेर तो मोम का था, पर उसके ऊपर जो परत चढ़ाई गई थी वो धातु की परत थी, तो यहाँ पर आप रोंग का निशान लगाओ। फारस के राजा ने अकबर को चुड़ाने के लिए नई पहेली सोची थी। हाँ, क्योंकि बच्चे जो पिंजरा था वो चारों तरफ से बंद था, उसका कोई दरवाजा भी नहीं था, तो जो राजा था वो ये देखना चाहता था कि इस शेर को बिना दरवाजे के बाहर कैसे निकाला जाएगा, तो उसने ये एक नई पहेली सोची थी। बीरबल ने कुछ देर तक पिंजरे को ध्यान पूर्वक देखकर निर्णय लिया, तो बच्चे इसमें भी राइट आएगा। छड़ों की गर्मी पाकर कुछ ही समय में मोम का शेर पूरा पिघल गया, हाँ बच्चे राइट है, क्योंकि जैसे ही छड़े लगाई गई थी, गर्म छड़े थी, और मोम के शेर पर लगाई गई, वह पिघल गया था, तो राइट आए। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को उपहार दिए, राइट आंसर। इसके बाद है बच्चे वाक्य बनाओ। ये वाक्य बच्चे आपको खुद बनाने हैं। जैसे स्वीकार, पेज नंबर 111 पर आओ। निरीक्षण, आदेश, मोम, परेशानी, शायद, इनका ये बच्चे ये कार्य आपको खुद करना है, वाक्य बनाना है, ठीक है। ये वाला मैं नहीं करवाऊँगी, और ऑनलाइन क्लास में बच्चे मैं आपसे पूछूँगी किसने क्या क्या वाक्य बनाए हैं। और एक क्वेश्चन और है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। यहाँ पर ये गलत शब्द लिखे गए हैं, पैर, गुजारिश, पहेली, धीन पूर्वक है, ध्यान पूर्वक होता है, तो इनको सही तरीके से लिखना है आपको। मूर्ति,
पिंजड़ा, निरीक्षण, सेवक। आपका कार्य ये है, एक तो याला करना आपको और एक वाक्य बनाना। थैंक यू।